मुरादाबाद में योगी सरकार का चाबुक सट्टा माफिया पर चला। मामला मुरबाड़ की का है, जहां अवैध संपत्ति से करोड़ों का मकान बनाया गया था, जिसे सील कर कार्रवाई की गई। सट्टा माफिया को पिछले दिनों गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका। बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों की आमद ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। दरअसल ये बिल्डिंग सट्टा माफिया मोहम्मद अजीम की है, जिसके खिलाफ जनपद के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं की अवैध संपत्ति को कुर्क करने की मुहिम तहत मुरादाबाद में भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में मौजूद करोड़ों रुपए की संपत्ति पर योगी सरकार का चाबुक चला है। इस महलनुमा मकान का सीलिंग कार्रवाई के दौरान जब अंदर से देखा गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर ऐशो आराम का विदेशी सामान तक नजर आया। इस कार्रवाई के दौरान सट्टा माफिया के परिजन बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में मौजूद थे। पुलिस के अनुसार सट्टा माफिया के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई पूर्व में भी की गई थी। थाना कोतवाली क्षेत्र का निवासी अजीम सट्टा माफिया है। इसके संबंध में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा थाना नांगभनी पर पंजीकृत कराया गया था। इसी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के तहत इसकी संपत्तियों का आकलन करके 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुपालन में आज कुर्की की कार्रवाई प्रचलित है।